गैस आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशंस को देखेंगे कि किस किस लोगों ने उसको सॉल्व किया और उनको शाउट आउट भी देना बनता है यार। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गैस यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछली रेपल में एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 4 में कि आपको एक डिजिटल क्लॉक बनाना है। आज सबसे पहले उसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक रेपल बना रखी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सैम्पल टाइम जो होता है उसको लिख लूँगा। मैं सबसे पहले अपना जो टास्क है ना उसको फिनिश करूँगा, उसके बाद अपनी रेपल को ब्यूटीफाई करूँगा। पहले काम होना चाहिए, उसके बाद खूबसूरती देखेंगे। मान लो यहाँ पर मेरा 445 और मान लो 45 ऐसे लिख कर आ रहा है, ठीक है, ये मेरा टाइम लिख कर आ रहा है मान लो। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने कंसोल में जाता हूँ। कंसोल में जाकर मैं अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर न्यू डेट बनाता हूँ ना, तो कुछ इस तरह से लिख कर आती है। और अगर मैं इसको टू डेट स्ट्रिंग फंक्शन रन करके दिखाता हूँ ना, तो ये कुछ ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको टू टाइम स्ट्रिंग करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इसको टू टाइम स्ट्रिंग कर दूँगा, या फिर टू डेट स्ट्रिंग प्लस टू टाइम स्ट्रिंग अगर मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं इस पूरी न्यू डेट को दिखा दूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, बहुत ही सिंपल रखूँगा चीज़ों को, मैं यहाँ पर इसको न्यू डेट कर दूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिव डॉट टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा डिव और यहाँ पर मैं लिख दूँगा आईडी इज इक्वल टू टाइम। और मेरी जो स्क्रिप्ट डॉट जे एस है उसके अंदर पता है मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट इंटरवल। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि भाई ये जो आई डी इक्वल टू टाइम वाला है ना, इसको अपडेट करते रहो, ठीक है। कब कब अपडेट करते रहो यार, हर सेकेंड अपडेट करते रहो, तो ये हर सेकेंड अपडेट करता रहेगा इसको। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा लेट ए इज इक्वल टू या फिर लेट डी इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा जो हमारी डी है वो एक स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टाइम डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू डी। आई थिंक दैट शुड डू द ट्रिक। इसको रिलोड करते हैं एंड इसको मैं जैसे रिलोड करूँगा, आप देखो यहाँ पर टाइम चलना शुरू हो गया, ऊपर देख रहे हो 20:34 और ये कुछ इस तरह से टाइम शुरू हो गया। लेकिन मैं पता है क्या करता हूँ, मैं अपनी एक किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के बाद उसको ब्यूटीफाई करता हूँ। और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यूज़ करने वाला हूँ मैं इसका, किसका, बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप क्या होता है मत पूछो यार क्या होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है। बहुत कमाल की चीज़ होती है और मज़ा आता है यार यूज़ करने में, कुल मिला के बात ही है, ठीक है। तो इसकी सीएसएस भी इंक्लूड करेंगे ऊपर बूटस्ट्रैप की। तो ये करते ही पता है क्या होगा, ये करते ही अगर मैं रिलोड करूँगा, देखो थोड़ा बहुत चेंज इसने यहाँ पर दिखाया। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैंने dev id is equal to time यहाँ पर लिखा है और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ इसके बाद कि इसके कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरे यहाँ bootstrap ठीक से लोड हो गया होगा। तो मैं देखता हूँ कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जा सकता है। अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने खोल लिए। आइडियली आप अगर अपना एक कोई भी सीरियस प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा ज़रा टाइम लगाकर सोचोगे और आप ये देखोगे कि क्या चीज़ आपके प्रोजेक्ट के लिए आइडल है। बट मैं अभी के लिए क्या करूँगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा टाइम को। तो कुछ भी आप लोग कर सकते हो, आप इस तरह की अकॉर्डियन शो कर सकते हो। मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को सर्च करता हूँ यार, ज़्यादा चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। फॉन्ट साइज़ को सर्च करता हूँ, सेंटर अलाइंड पे जाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसके बाद या फिर मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला ये ले लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा बस डिफरेंट बनाना चाहता हूँ चीज़ों को, और कुछ नहीं है। और इसको रैप कर देता हूँ, डेव को क्लास इज इक्वल टू ये दे देता हूँ और कुछ इस तरह से कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी और मेरा काम हो जाना चाहिए यार ये करने के बाद। तो यहाँ पर देखो दिस टेक्स्ट शुड रैप और यहाँ पर ये मेरा टाइम दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये रैप तो कर रहा है कम से कम टेक्स्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैंने और क्या स्टाइल दी थी, मैंने शायद बीजी प्राइमरी भी दिया था। बीजी प्राइमरी आया क्यों नहीं यार, क्या बूटस्ट्रैप लगी नहीं? ये रीज़न हो सकता है कि बूटस्ट्रैप लगी नहीं हो। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप मैंने यहाँ पर इंपोर्ट तो करी है यार, आई गेस मुझे यू कैन ऑल्सो इंक्लूड पॉपर एंड जे एस सेपरेटली। क्या दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ चल तो रहा है ना ठीक से, कहीं ऐसा तो नहीं कि बूटस्ट्रैप इंक्लूड ही नहीं हुई है? हाँ अब हुई है इंक्लूड ठीक से बूटस्ट्रैप। देखो ये इस तरह से मेरा टाइम आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ
और सेंटर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये दिस टेक्सचर रैप को हटा देता हूँ। सेंटर करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स सेंटर क्लास लगाऊंगा। एंड आई थिंक टेक्स सेंटर क्लास लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए। तो ये हर सेकंड जो है अपडेट कर रहा है इसको, और मैं दोबारा से इसको लोड कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये इसके विद इन सेंटर होगा, बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक डेव बनाऊँ और मैं इसके विद इन सेंटर करना चाहता हूँ, मैं इसमें क्लास इज इक्वल टू टेक्स सेंटर कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्लियरली नॉट द बेस्ट यू आई आउट देयर, बट हाँ यार ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करूँगा इसके फॉन्ट को। तो मैं फॉन्ट साइज़ ढूँढ रहा था एक्चुअली, फॉन्ट साइज़ कि कैसे बढ़ाते हैं फॉन्ट साइज़। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर आप ये कुछ ऐसा करोगे तो बूटस्ट्रैप में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स बने बनाए मिल जाएंगे, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, सेव किया इसको, रिलोड करूँगा, सेव होने का वेट कर रहा हूँ इसके। हाँ अब दिख रहा है थोड़ा बढ़िया। ठीक है, मैं इसके बॉडी के बैकग्राउंड को इसमें मैं एक स्टाइल दे सकता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, इसमें स्टाइल डॉट सी एस एस तो इंक्लूड हो रही है ना, तो इसकी जो बॉडी है इसको मैं बैकग्राउंड ब्लू दे देता हूँ, और अदर मैं इसको थोड़ा लाइट वाला ब्लू दूंगा, थोड़ा लाइट वाला ब्लू ये वाला दे देता हूँ, थोड़ा लाइट वाला वाइटिश ब्लू। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बस टाइम जब आएगा। तो अभी सेव नहीं हुई रैपल मेरी। हाँ अब सेम हो गई। अब क्या करना है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग अगर चाहते हो कि अलग अलग फॉर्मेट में आपको टाइम चाहिए, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स JS। ठीक है, तो किसी ने स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ ना कुछ दिया होगा कि यार टाइम की फॉर्मेटिंग अच्छे से कैसे की जा सकती है। तो ये देखो इस तरह से की जा सकती है टाइम की फॉर्मेटिंग, आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फंक्शंस वगैरह बना के दिखाए हुए हैं, तो मिल जाता है काफ़ी कुछ नेट पे, ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लो मैं अगर इस तरह से आउटपुट रखना चाहता हूँ तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, और डेफिनेटली मुझे कस्टम कोडिंग करनी पड़ेगी, और मैं इसी पर टाइम लगाऊँ तो यार और थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। यार मैंने लेट डी इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ, न्यू डेट की बजाय मैं लेट डी इज इक्वल टू ये कर देता हूँ, मैं लेट डी इज इक्वल टू ये करूँगा, और उसके बाद ये कर देता हूँ। ठीक है, टाइम डॉट इन HTML इज इक्वल टू डी। तो ये करने के बाद अब मैं अगर अपनी रैपल को रीलोड करूँ, बाय द वे ब्लू क्यों नहीं हुआ भाई, बैकग्राउंड कलर क्या चल रहा है? हाँ हाँ भाई, कंट्रोल शिफ्ट आर भी कर दिया। अब क्या चाहिए, बॉडी के बैकग्राउंड को मैंने जब ये किया तो चेंज क्यों नहीं हो रहा यार, ये कैसा मजाक है, क्यों नहीं हो रहा यार चेंज। रीलोड हो गई मेरी रैपल, स्टाइल डॉट सी एस एस में बैकग्राउंड चेंज तो कर दिया भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यार ये। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि भाई ये जो मेरी बॉडी है उसमें ये स्टाइल आया कि नहीं आया। एक्चुअली बूटस्ट्रैप भी बॉडी के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा दूँगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगाने से क्या होगा कि जो मैंने दिया हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पर। हाँ थोड़ा ज़्यादा मैंने इसको डार्क कर दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं सेव करूँगा। और मुझे पता है नॉट दी बेस्ट यू आई आउट देयर, बट काम चलता है यार। ठीक है, काम चलता है। अरे अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसा मजाक चल रहा है भाई, अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, मेन काम तो हो ही नहीं रहा। एक्चुअली सेकेंड्स मैंने डिस्प्ले ही नहीं किया यहाँ पर, तो सेकेंड्स जब तक डिस्प्ले नहीं करोगे तब तक अपडेट नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम चल रहा है यहाँ पर, और हर मिनट ये टाइम अपडेट होता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि आपके सेकेंड्स भी चलते रहें तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो कई लोगों ने कई सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई आप ऐसे सेकेंड्स और डिजिटल क्लॉक इस तरह से आप बना सकते हो। देखो इस भाई ने तो पूरा ही लिख दिया है, देखो इज इक्वल टू करंट टाइम, करंट टाइम का एक फंक्शन बना दिया है, और काफ़ी चीज़ें की हुई हैं लोगों ने यार। देख रहे हो, मैं मान लो इसका ही चेप दूँ फंक्शन, अगर पूरा वैसे ही चीटिंग होगी, मैं पूरा चेप रहा हूँ भाई का फंक्शन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो अगर मैं इसको चेपूँ तो यहाँ पर देखो कैसा दिख रहा है, मैं ही देखना चाहता हूँ बस। मैं यहाँ पर जैसे डिजिटल क्लॉक है ना इसका, मेरा यहाँ पर टाइम है, चल जाएगा शायद, रिलोड करके देखता हूँ चल रहा है कि नहीं। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल, गेट एलिमेंट बाय आई डी टाइम, मैंने आई डी इज इक्वल टू टाइम दिया है शायद, आई डी इज इक्वल टू टाइम दिया है मैंने, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल क्यों कह रहे हो भाई, जब मैंने मैंने दे रखा है यहाँ पर।
get element by id time dot in html is equal to current time. This should have worked. Yaar ye kya chal raha hai? Oh yes it works. हाँ उतना बढ़िया नहीं है बट जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हो आप कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली क्या था कि क्रिएट अ डिजिटल सेकेंड्स क्लॉक यूजिंग स्टैटिक डबल एंड डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट. और यहाँ पर हमें क्या करना है कि डेट टाइम और सेकेंड्स ये सब चीज़ें जो अपडेट होनी चाहिए स्टैटिक डबल से, तो आप यूआई को गुड लुकिंग कर सकते हो. तो डेट ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस है उसमें गेट आवर्स होता है, गेट सेकेंड्स होता है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो खैर जो भी हो आप लोग जो है इसको कर पाओगे आई होप. और यूआई मुझसे कई गुना बेहतर बनाना क्योंकि मैंने तो इसमें बिल्कुल भी कोई एफर्ट दिया नहीं, बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं डाला मैंने इसमें, बट आप लोग डालना. ठीक है, और यहाँ पर कहाँ गया एक्सरसाइज 4. मुझे पता है कि एक्सरसाइज 4 के कवर पेज में आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स दिए होंगे मुझे. मैं कवर पेज में जाकर देखता हूँ और मैं भी आप लोगों को शॉर्ट आउट दूंगा, ऐसी बात नहीं है नहीं दूंगा. देखो कुछ लोगों की, अरे 2 घंटा पहले ही किसी ने अपलोड किया है, तो सबसे पहले तो मैं जो सबसे ऊपर दिख रही है, आलसी होने के नाते मैं ऊपर का सबसे पहले देख रहा हूँ, बट मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा बिल्कुल. ये देखो रिक रोल बना रखा है किसी ने, इसको रन करता हूँ रैपल को. जितनी देर में ये रन हो रही है ये वाली भी रन करता हूँ. ओ ओ ओ वाओ भाई, दिस इज़ समथिंग इम्प्रेसिव यार. ठीक है, तो यार बिग शाउट आउट समित शाह, बहुत बड़ा शाउट आउट यार, मज़ा आ गया सच्ची में. ठीक है, तो अगर मुझे ये क्वेश्चन कभी कोई देता है अपनी लाइफ में तो आई नो वेयर टू गो समित शाह. ठीक है, मैं यहाँ से छाप लूँगा आपकी रैपल से. ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत. और यहाँ पर डिजिटल क्लॉक, अरे वाह यार ये तो बिल्कुल वो वैसा होता है ना, एक्सटेंशंस वगैरह होती हैं वैसा बना दिया पूरा. भाई साहब दिस इज़ ग्रेट यार, मैंने बूटस्ट्रैप में इतना सारा कुछ किया उसके बाद भी मेरी ऐसी दिख रही है क्लॉक, मतलब ये देखो ऐसी दिख रही है मेरी क्लॉक. तो यार आप जो है एक अच्छी क्लॉक बनाएं. ठीक है, शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें. अरे वाह ये भी बढ़िया है. तो यार मेरे हिसाब से यार हर इंसान की क्लॉक यहाँ पर बहुत बढ़िया होगी, ऐसा मेरा मानना है. और पेज डाउन की दबा देता हूँ यार, एक एक करके इनको कौन लोड करेगा. काफ़ी दिन हो गए यार हमारे इस प्रोजेक्ट को कि मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था. अरे ये क्या कर दिया मैंने यार, मैं एक एक करके लोड मोर कमेंट पर क्लिक करूँगा, फिर और कमेंट्स लोड करूँगा. काफ़ी दिन पहले मैंने ये एक्सरसाइज दी थी शायद, और 20 दिन पहले दी थी क्या मैंने एक्सरसाइज डिजिटल क्लॉक वाली. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप 23 डेज तक मैंने दी थी एक्सरसाइज, और यहाँ पर देखो आप दिस इज़ अमेजिंग यार, काफ़ी बढ़िया यार. तो इन्होंने सबसे पहले सॉल्व किया इसको अंकित नारंग ने, और इसके बाद मैं और लोगों को भी शाउट आउट दे देता हूँ. ये भी बढ़िया है यार, दिस इज़ ऑल्सो गुड अमीर अली, वाह यार मज़ा आ गया. अरे वाह कोडवेदारी भी लिख दिया भाई ने ऊपर, थैंक यू यार मुझे अपनी घंटे में मेंशन करने के लिए धन्यवाद. अगला देखते हैं क्लॉक हैकर वाली, बिल्कुल ब्लैक पे ग्रीन. ठीक है, बाय द वे एक टीज़र देना चाहता हूँ, दे दूँ, दे दिया. अब आप पॉज करके देख ही लोगे यार क्या है. एक्सरसाइज 5 है, तो एक्सरसाइज 5 अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो देख के सॉल्व कर सकते हो अभी भी, बट आने वाला है वीडियो, तो वेट करो वीडियो का, उसके बाद ही सॉल्व करना. अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए. अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करी है तो क्या कर रहे हैं आप, करिए एक्सेस इसको जल्दी से जल्दी. यहाँ क्लिक करके करें, बुकमार्क यहाँ क्लिक करके करें, सेव. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.